everyone, welcome back to our channel Reaction Search. मैं आशु, मैं मीनाक्षी. Hope you all are doing great. So here we both are back again with another reaction video on Maa Baap by MC Stancer. This one is from our Insaan album. And channel पर new तो subscribe कर देना, do hit the bell icon also to get notifications of upcoming videos. और हाँ, अगर आप लोगों को spicy Korean noodles challenge देखना है तो हमारे सेकेंड चैनल दैट इज द डेली गर्ल्स, उस पर 500 सब्सक्राइबर्स फटाफट से करवा दो. उम्मीद करते हैं जल्दी से करवा दोगे, फिर हम स्पाइसी कोरियन नूडल्स चैलेंज करेंगे. मुझे वैसे सच में पसंद नहीं है स्पाइसी, एंड स्पेशली विद चॉपस्टिक्स. मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं, मुझे चॉपस्टिक्स यूज करनी नहीं आती. हाँ, तो मुझे भी नहीं आती, मैंने भी कभी नहीं करा. इसको आती है, मैंने इसको एक बार देखा था, ये खा रही थी चॉपस्टिक से, एंड आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम. एंड मुझे नहीं आती, अपने देसी बंदे हैं. और कमेंट सेक्शन में भी हम पिन कर देंगे, तो जाओ और फटाफट से सब्सक्राइब करो. अब स्टार्ट करते हैं सॉन्ग. ये गाना मेरे मॉन्डर और तुम्हारे मॉन्डर के लिए, मैं वो यू नो हम था. गाड़ी के पीछे लोग लिख रहे ले मॉन्डर, शादी के बाद उनको निकल रहे घर से. माँ बाप के बारे में क्या बोलूँ मैं, मेरी भूख है वो एक दिन सुनाऊंगा पढ़ के. हाँ, मेरी सोती नहीं बाप, मेरा टेंशन में जब तक नहीं आता लड़का अपने घर पे. माँ बाप की कीमत नहीं तुमको, एक औरत के लिए अपने माँ बाप को निकलते घर से. खुदा के बाद में रखता मैं माँ बाप को. नहीं नहीं आ रही थी ब्रो मेरे को कल रात को. सुन मेरी बात, हम जाते जाना मस्को. कॉल कर मेरे को, घर ते को कुछ लगा दो. फैन मेरा रहेगा तो माँ बाप को मान, फैन मेरा रहेगा तो सुन मेरी जान. माँ बाप को तकलीफ मत दे मेरे लिए, हीटर्स लोग तुम्हारे भर रहे ले कान. अपने का बना मैं सलमान खान, सादा बैर इंसान को पसंद है माँ. माँ बाप ने बचपन से करा तेरे लिए, और एंड ऑफ डे तूने क्या दिया माँ. दोस्ती तुम करते पर नहीं पाता मैं, दोस्तों के वजह से ये भी देखा. बचपन में सीढ़ी से गिरा था मैं. Stop this bullshit, please don't. कुरान में लिखे लकर मत तू गिबत, बुढ़ापे में लकड़ी बनकर उनकी किस्मत. सच बोलते आखिरी तक इसलिए तू चिढ़ मत, इसलिए सब पूछ रहे ले करेगा क्या फ्यूचर. कुछ नहीं बनेगा तू बोलने के टीचर. माँ मेरी पर पढ़ के बोलने की प्लीज पर लिखा मैंने वह लगाना मेरे आंसर शीट पर. गाने गाने मेरे चेहरे होगा मिना, ये लोग डिसलाइक नहीं कर रहे अभी तक. तू वो लड़की को छोड़ेगा कभी तक, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते ये असलिया. गाड़ी के पीछे लोग लिख रहे ले मॉन्डर, शादी के बाद उनको निकल रहे घर से. माँ बाप के बारे में क्या बोलूँ मैं, मेरी भूख है वो एक दिन सुनाऊंगा पढ़ के. हाँ, मेरी सोती नहीं बाप, मेरा टेंशन में जब तक नहीं आता लड़का अपने घर पे. माँ बाप की कीमत नहीं तुमको, एक औरत के लिए अपने माँ बाप को निकलते घर से. खुदा के बाद में रखता मैं माँ बाप को. नहीं नहीं आ रही थी ब्रो मेरे को कल रात को. सुन मेरी बात, हम जाते जाना मस्त हो. माँ बाप को गाली की बहुत गुना, माँ बाप को गाली की बहुत गुना. ये दर्द जब भी बड़ा मेरा दो गुना, अम्मा ने दिया प्यार मुझे 100 गुना. आधी रात गोली रोटी मुझे गर्म करके, ये सब याद करके आज रात रो पड़ा. घर पे नशे करके कई बार चीजें तोड़ी, माँ का दिल उम्मीद बाप की भी शामिल थी. कई बार हुआ घर में कलेश, निकम्मे की वजह से मेरी बहनें मुझसे. माँ के कदमों में जन्नत है, सुन्नत है, मिन्नत तू कितनी भी कर ले. हाँ, माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती, रिश्ते मिल जाते हैं लाखों. माँ की दुआ, माँ के हाथों का जादू, मेरी उम्र माँ को लग जाए. माँ से पहले मैं मर जाना चाहूँ, मैं मर जाना चाहूँ, मैं मर जाना चाहूँ. पूरे बचपन मेरी बाप से लड़ाई, उसी बाप से जिसने ये दुनिया दिखाई. बिना सोचे पेट टाली सोने की अंगूठी, और मुझे पहले उसने मेरी साइकिल दिलाई. उसी बाप को शराबी बोलू गानों में, शर्म हया गुम कहीं गुम. पूरे कर्म फिर भी जिंदा इनकी दुआ दोनों, भगवान जैसे कुन फाया कुन. गाड़ी के पीछे लोग लिख रहे ले मॉन्डर, शादी के बाद उनको निकल रहे घर से. माँ बाप के बारे में क्या बोलूँ मैं, मेरी भूख है वो एक दिन सुनाऊंगा पढ़ के. हाँ, मेरी सोती नहीं बाप, मेरा टेंशन में जब तक नहीं आता लड़का अपने घर पे. माँ बाप की कीमत नहीं तुमको, एक औरत के लिए अपने माँ बाप को निकलते घर से. खुदा के बाद में रखता मैं माँ बाप को. नहीं नहीं आ रही थी ब्रो मेरे को कल रात को. सुन मेरी बात, हम जाते जाना मस्त हो. यार
ये बेस्ट ट्रैक है, बेस्ट ट्रैक. मुझे सबसे पहले, मुझे पहले आमिन लगता था अच्छा वो भी है, बट माँ बाप सुनने के बाद मुझे लग रहा है माँ बाप इज द बेस्ट ट्रैक ऑफ हिम. वो भी इंसान एल्बम के अंदर, इंसान एल्बम इतनी बढ़िया है, इसमें रियलिटी दिखाई बोली गई है, एक एक वर्ड में ना इतनी रियलिटी, इतनी रियलिटी. और ये हम डिस्क्राइब करने बैठे तो शब्द कम पड़ जाएंगे हमारे मुंह से, पता है. माँ बाप टाइटल काफी अच्छा दिया है, माँ बाप. और इसके लिरिक्स एक नंबर. गाड़ी के पीछे लोग लिखवाते माँ बाप, और शादी के बाद निकाल देते घर से. मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता, बट हाँ मुझे लाइन पता है. तो ये तो रियल, इसमें फैक्ट्स बोले गए, टोटली फैक्ट्स. हुक लाइन में फर्स्ट थी कि माँ मेरी सोती नहीं, बाप बेटा मेरे टेंशन में, जब तक बेटा आता नहीं अपने घर पे, है ना. जी हमारे साथ भी होता है, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, हम लेट आते हैं तो हमारी मम्मी भी खाना नहीं खाती. ये हर किसी के साथ है. मम्मी सोती नहीं है, पापा टेंशन लेते हैं, और बेटा जब तक, या बेटी जब तक घर पे नहीं आती, सबके हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं कि कहाँ रह गया होगा, क्या टेंशन है. सच में, ओह माय गॉड. और इसमें इक्का सर की रैप, इक्का सर की रैप भी बहुत अच्छी थी. उनकी एक लाइन आई थी ना, मेरी उम्र लग जाए मेरे माँ बाप को. बहुत हर कोई ये सॉन्ग रिलेट कर सकता है इतना प्यारा सॉन्ग, और डेडिकेटेड है टू एवरी मदर एंड फादर इन दिस वर्ल्ड. इसमें ना बोला एमसी स्टेंसर जो है ना, उन्होंने बोला कि मैं अल्लाह के बाद अपने माँ बाप को रखता हूँ, कि सबसे पहले मेरे भगवान आते हैं, उनके बाद मैं अपने माँ बाप को रखता हूँ, फिर तीसरे बंदे को मैं अपने पास रखता हूँ. हाँ. ना अब उसमें दोस्त ले लो, गर्लफ्रेंड ले लो. इसमें एक और लाइन, आई थी ना कि दोस्ती तुम करते पर निभाता मैं, और दोस्त लोग की वजह से एवरीडे होता क्राइम, इसमें इन्होंने अपने होमीज को भी जवाब दिया है कि हाँ दोस्ती तुम करते पर निभाता मैं हूँ, लॉयल मैं रहता हूँ फ्रेंडशिप में. वही की दोस्ती का फायदा उठाते हो तुम, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो पर निभाता मैं हूँ. हाँ है ना, वही मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा माँ बाप ट्रैक. और धीरे धीरे जैसे हमने एमसी स्टैन सर के सॉन्ग्स सुनने स्टार्ट करे हैं ना, धीरे धीरे समझ में भी आने लग रहे हैं. जैसे हमने पहले सुना था ना आमीन या अस्तगफिरुल्लाह था, फर्स्ट तो टू बी ऑनेस्ट उसमें से काफी सारी लाइंस या वर्सेस ऊपर से गए थे सर के ऊपर से, क्योंकि हम हिप हॉप नहीं सुनते थे, हमने जस्ट अभी ही कुछ महीनों पहले ही सुनना स्टार्ट करा है, बट अब धीरे धीरे समझ आने लगा है, एंड वर्ड समझ आने लगा है, एंड फेवरेट भी होते जा रहे हैं. पहले होता था कि सर के ना हर एक वर्ड जो हुक लाइन होती थी ना वो सर के ऊपर से जाती थी, नहीं समझ आती थी, बट पता है क्या होता है, जैसे ही सर गाते हैं ना सारे वर्ड्स माइंड में ना ऐसे होते ना ईटों के ऊपर ईट रखते हो जम जाते हैं, सीमेंट लगा के, और ऐसे जम जाते हैं माइंड में. हम कुछ वर्ड्स या लाइंस को रिलेट भी कर सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में. हाँ, है वो भी है. और बस इसकी ना यार इंसान एल्बम की ना वीडियो काफी मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, कि सर के हुक्स के हेयर स्टाइल. और हेयर स्टाइल देखो मैंने आज सर की तरह हेयर स्टाइल बनाए, जैसे मेरे से बने मैंने बनाए, मैंने ट्राई करे कि मैं, हाँ चलो मैं इंस्पायर्ड बाय हिम मैं बना लेती हूँ सबके तो दिखने. और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसकी बीट्स एक नंबर थी, एंड एक से एक बैकग्राउंड म्यूजिक इनके आते ही रहते हैं, जैसे हम सबको पता ही है. चार पांच ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ना बेसिकली हम सुनते ही रहते हैं इनके सॉन्ग, सुनते ही रहते. तो बीट वाली आती ना, पर एक वो था ना तबला किसमें था, बस्ती का हस्ती में तबला था. हाँ मुझे उसका बैकग्राउंड म्यूजिक एक नंबर लगता है, बस्ती का हस्ती. और हमने रिसेंटली कोई करा था सर का ना MH12, उसमें खैरियत था बैकग्राउंड, MH12 का बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे को खैरियत था उसमें. हाँ मेरे को सबसे प्यारा रहेगा लाइफ टाइम तक, सच में वो ट्रैक सबसे अलग है, सबसे अलग. आपका, आपकी कौन सी फेवरेट लाइन है फ्रॉम दिस ट्रैक कमेंट सेक्शन में डाल देना, सो दैट हमें भी पता चले आपकी कौन सी फेवरेट लाइन है. वैसे तो हमारा पूरा ही फेवरेट हो चुका है ये वाला सॉन्ग, बट एक होती है ना एक लाइन, हाँ जैसे कि मेरी वो हो गई कि मम्मी सोती नहीं, पापा रहते टेंशन में, जब तक आता नहीं बेटे घर पे. हाँ मेरी भी, क्योंकि ना काफी जगह जगह ना वो कि रिलेट कर सकते हैं हम रियल लाइफ में, कि हाँ यार रियल है, मतलब ये नहीं है कि कुछ भी वर्ड बनाया और कुछ भी बोल दिया,
इसमें दोनों का रैप बहुत ही बढ़िया था, दोनों के रैप मस्त थे। हाँ, उन्होंने एक कसर नहीं बोला था पेरेंट्स के बारे में, मैं मतलब अपने पेरेंट्स को मानता कुन फाया कुन, या फिर याद करूं उनको। हाँ, एक गाना था ना कुन फाया कुन फाया कुन, सच में काफी अच्छी थी सच में। सर इक्का सर की भी जो थी ना रैप, रैप उनका भी अच्छा था, कुछ कुछ लिरिक्स थे जो काफी अच्छे थे। रिएक्शन उड़े अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, आपका ही चैनल है, डू हिट द बेल आइकन आल्सो टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। इंस्टाग्राम पे फॉलो फॉलो में निकल गई, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग, समझने वाले समझ गए होंगे।